हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग APECET 2020 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। APECET का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। कैसे आपको रिजल्ट को चेक करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, रिजल्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो को शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ साफ कर दूँ कि अभी तक जब तक भी ये वीडियो बन रही है तब तक APECET 2020 का रिजल्ट नहीं आया है। मेक श्योर द रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट टिल द वीडियो हैज़ बीन क्रिएटेड। APECET का रिजल्ट अभी नहीं आया है, आने वाला है। तो कैसे चेक करना है वो बताऊंगा मैं। हम लोग एक एस्टिमेशन निकालेंगे, एक एस्टिमेशन चेक करेंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। हम लोग इंटेलिजेंस का यूज़ करके चेक करेंगे, पिछले साल के आइडिया निकालेंगे कि कितने दिन में रिजल्ट आता है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को इंस्टेंटली सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल है APECET से रिलेटेड। देखिए, बात आज की नहीं है, बात है तब तक की जब तक आप पढ़ाई करेंगे। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवास होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होती हैं, आपके प्लेसमेंट्स होती हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपके टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल फेस्ट होते हैं, आपके टेक्निकल फेस्ट होते हैं। आपके कॉलेज में नया चीज़ क्या हो रहा है, नए चीज़ें कैसे होंगी, नए आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे, आपके प्लेसमेंट्स कब होंगे, आपके इंटर्नशिप्स कैसे होंगे, आप गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से चेक करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देती। आपको सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है और यही हमारा भी है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको लिखना है APECET 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ APECET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नए टैब में जाएंगे, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं APECET 2020 और यहाँ लिखा है IAS पेपर। एक्जैक्टली इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं APECET रिजल्ट सून, यानी जल्दी से जल्दी आने वाला है। APECET का रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी आएगा। प्रिलिमिनरी आंसर की पहले ही 15 सितंबर को रिलीज हो गई थी, उसके लिए हमने वीडियो भी बनाया था। आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो APSCHE यानी आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है, JNTU यानी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कंडक्ट करती है। उससे पहले बता दूँ आपको कि जो सामने आपके फॉर्म है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आंध्र प्रदेश का हूँ तो आंध्र प्रदेश पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश के कहाँ के हैं, तो मैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहता हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी कोशिश करता हूं कि आपके लिए APECET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप यहां पे इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इंजीनियरिंग में क्लिक करना है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको 12th लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, APECET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और SMS के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेंगी। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है और इससे आपको अलग अलग जगहों से ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं APECET नोटिफिकेशन रिजल्ट डिक्लेयरिंग सून, यानी रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने वाला है। कब आ जाएगा किसी को पता नहीं है, पर इस पेज को आप बुकमार्क कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली पेज वेयर यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। ओके, यहाँ पे क्लिक किया टू चेक रिजल्ट पे क्लिक करना। उससे पहले मैंने आंसर की के लिए वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने APECET का आंसर की देखा था और स्टूडेंट्स ने इससे अपना एस्टिमेशन निकाला था, मार्क्स कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। ओके, उससे पहले एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि देश के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है, जिसमें बेनेट यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रयूज़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और जी डी गोयनका। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पर एडमिशन लें।
तो किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना ही चाहिए इन यूनिवर्सिटीज़ में से। अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली लेता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयरिंग सून, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं APECET का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयरिंग सून यानी जल्द से जल्द रिलीज होने वाला है। कोई डेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने डेट नहीं दी है, जैसे ही आएगा इसी पेज पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं APECET रिजल्ट डिक्लेयरिंग सून यानी APECET का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा जल्द से जल्द। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड हियर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट का लिंक है वो आपको यहीं पर मिलेगा। उससे पहले बता दूँ कि अगर आपने ये पिछली बार फॉर्म भर दिया है जस्ट सिंपली कट इट, अगर नहीं भरे हैं तो इंस्टेंटली आपको भरना है। ओके तो यहाँ पे द लिंक विल बी प्रोवाइडेड हियर, यानी यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है, पेज को बुकमार्क कर लीजिए बिकॉज जो भी अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले यहीं पर आती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी APECET से रिलेटेड आपकी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।